बॉलीवुड के फेमस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी पिछले लंबे टाइम से अपनी मैरिड लाइफ को लेकर काफी कुछ झेल रहे हैं। सोशल मीडिया पर आलिया सिद्दीकी जो कि उनकी एक्स वाइफ हैं, उन्होंने जिस तरीके के एलिगेशंस लगाए हैं उसके बाद नवाजुद्दीन की इमेज जो है पब्लिक में थोड़ा सा खराब तो हुई है। हालांकि दोनों की मैरिड लाइफ में चल रही दिक्कतों की वजह से उनके जो बच्चे हैं उन्हें काफी सफर करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वीडियो बना आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच तलाक और कानूनी लड़ाई पब्लिक में आ चुकी है। इसी बीच आलिया ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने एक्टर पति के साथ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी के बीच काफी टाइम से बवाल चल रहा है। दोनों के बीच कोर्ट में कानूनी लड़ाई ने काफी सुर्खियां बटोरी। इन सब बवाल के बाद आलिया अपने दोनों बच्चों के साथ दुबई में है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया था ताकि बच्चों की पढ़ाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ना आए। अब एक लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया ने बताया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ उनकी जो पर्सनल लड़ाई है उसके बारे में उन्होंने पब्लिकली क्यों बात की। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया सिद्दीकी ने बताया कि वो उस टाइम अपने बच्चों के साथ दुबई में है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा भी किया कि नवाजुद्दीन के साथ अपने विवाद को लेकर बात करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया को आखिर क्यों चुना। आलिया ने कहा कि मुझे इन सब चीजों के बारे में पब्लिकली बात करनी पड़ी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पीड़ित थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा दम घुट जाएगा। सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मानसिक तौर पर मैं किस दौर से गुजर रही थी। अगर कोई शख्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिकली बात करता है तो आप इस बात को नहीं समझ सकते कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आलिया ने कहा कि मैं सच में परेशानियों से गुजर रही थी। मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता पा रही थी। मैं पिछले 12 सालों से बहुत कुछ झेल रही थी। मेरा करियर इफेक्ट हुआ, मुझे काम करने नहीं दिया गया, उन्होंने मेरे करियर को आगे बढ़ने नहीं दिया और मुझे रोकना चाहा। आपको बता दें आलिया सिद्दीकी ने कुछ टाइम पहले अपने पति नवाज पर दुर्व्यवहार और बलात्कार का आरोप भी लगाया था। आलिया ने दावा किया था कि नवाजुद्दीन ने उनके बच्चों को बुरे हाल में छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक्टर की मां मेहरुनिसा ने उन्हें मुंबई वाले अपने घर में एंट्री तक नहीं करने दी। इस मामले पर नवाज ने दावा किया कि उनकी पत्नी को सिर्फ पैसा चाहिए और आलिया ने इन आरोपों का खंडन भी किया। दोनों की लड़ाई कोर्ट तक जहां पहुंची। आपको बता दें आलिया सिद्दीकी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो बताती नजर आई थी कि आखिर किस तरीके से रात में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बच्चों के साथ उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आलिया सिद्दीकी रोती बिलखती नजर आई थी और उन्हें काफी सिंपैथी भी मिली थी। अब जब उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर इतने सारे आरोप लगाए तो ऐसे में अपनी इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने पब्लिकली ये सारी बातें इसलिए कही क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशानियों से गुजर रही थी। उनका दम घुट रहा था, वो किसी को बताना चाहती थी कि 12 सालों से वो क्या कुछ झेल रही है। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।